मैं पाकिस्तान में रही, पली बड़ी मुसलमान में, ठीक। तो जब मैं बचपन में, मैंने एक बार भगवान जी की पहनी थी, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, पूछ रहा राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बता दो सीमा बता दो। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान के बारे में आपको क्या पता है, क्या जानकारी है, कौन है श्री कृष्ण? बिग बॉस से कहा जा रहा है कि सीमा को बिग बॉस में बुलाएंगे, कपिल शर्मा शो में बुलाएंगे, कोई कह रहा है कि चुनाव लड़वाएंगे, तमाम तरीके के बैक टू बैक ऑफर आ रहे हैं, तो क्या आप एक्सेप्ट करती हैं? ऐसी बिग बॉस में जाएंगी आप? राजस्थानी परिधान में बिल्कुल खूबसूरत लग रही हैं पूरे तरीके से, मैं कहूं तो आपने मेहंदी भी रचा रखी है, आपने चूड़ी पहना है, इसका क्या इतिहास है, क्या जानती हैं आप इसके बारे में? चूड़ी का महत्व क्या होता है, मंगटीका का महत्व क्या होता है, सिंदूर का महत्व क्या होता है, क्या होता है, क्या क्या जानकारी है आप? कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आपने श्री कृष्ण भगवान से क्या मांगा? ये कृष्ण जी की बनवा रखी है और यहाँ राधे कृष्ण लिखवा रखा है मैंने, और यहाँ सीमा सचिन लिखवा रखा है। कहाँ पर दिखाइए? ये रहा सीमा सचिन, थोड़ा मिट गया, ये राधे कृष्ण और मेरे कृष्ण भगवान। नमस्कार, इस वक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरा विश्व मना रहा है और मेरे साथ जो बाई तरह बैठी हैं सीमा हैदर, सीमा सचिन मीना। जी हाँ, सीमा सचिन मीना के हम पास बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण अष्टमी का पावन पर्व है, सबसे पहले सीमा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण। 12 बजे आप व्रत तोड़ेंगी, आज दिन भर दिनचर्या कैसा रहा जन्माष्टमी के अवसर पर? व्रती रहे हम लोग, और कृष्ण जी के भगवान की जन्म, मतलब मम्मी ने आज केक बनाया छोटा सा कृष्ण जी के लिए, क्योंकि वो बाहर से नहीं मंगा सकते जी, हमने खुद ही बनाया छोटा सा केक बना के रखा है, और 12 बजे के बाद केक भी काटेंगे। अभी मेरे गुरु जी आए हुए हैं, मेरे भाई आए हुए हैं, बिल्कुल अभी जो भी हुआ आपके सामने हुआ। सीमा, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में आप क्या जानती हैं? मेरे कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन है। हाँ। बिल्कुल, जैसे कि कंस जी ने उनके 7 या 8 पुत्र पहले वो कर दिए थे, कृष्ण जी बचे थे, आज मैंने उनकी वो पूरी कहानी भी देखी। क्या क्या कहानी में देखा, क्या क्या समझ आया आपको? मुझे पूरा ही समझ में आ गया। हाँ। कि कंस जो थे, हाँ, उनकी मतलब कृष्ण भगवान के हाथे मृत्यु लिखी थी, क्योंकि वो बहुत गलत रास्ते पे थे, तो उन्होंने अपनी बहन को जेल में डाला और उनकी जो भी संतान हो रही थी उनको मार रहे थे, और कृष्ण भगवान जी की मतलब माया थी, वो वृंदावन पहुँचे, तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी, एंड तक देखी बिल्कुल। ये जो परिधान है आप राजस्थानी परिधान में बिल्कुल खूबसूरत लग रही हैं पूरे तरीके से, मैं कहूँ तो आपने मेहंदी भी रचा रखी है, आपने चूड़ी पहना है, इसका क्या इतिहास है, क्या जानती हैं आप इसके बारे में? चूड़ी का महत्व क्या होता है, मंगटीका का महत्व क्या होता है, सिंदूर का महत्व क्या होता है, क्या होता है, क्या क्या जानकारी है आपको? चूड़ी पति के लिए पहनी जाती है, सिंदूर मंगलसूत्र ये सारे श्रृंगार पति के लिए किया जाता है, बिल्कुल मानती हूँ, और ये जो मैंने पहन रखा है पहना हुआ मेरे भैया की तरफ से मुझे आया है, डॉक्टर एपी सिंह साहब। बिल्कुल, आप दिखाई पहले मेहंदी पर, आपने मेहंदी रचा रखी है, कौन सा? कृष्ण कृष्ण भगवान जी की बना रखी है, ये कृष्ण जी की बनवा रखी है, और यहाँ राधे कृष्ण लिखवा रखा है मैंने, और यहाँ सीमा सचिन लिखवा रखा है। कहाँ पर दिखाइए? ये रहा सीमा सचिन, थोड़ा मिट गया, ये राधे कृष्ण और मेरे कृष्ण भगवान। बिल्कुल। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान के बारे में आपको क्या पता है, क्या जानकारी है, कौन है श्री कृष्ण? श्री कृष्ण भगवान जी हैं, मुरारी जी हैं, बिहारी जी हैं, इनके तो कई नाम हैं, वो जो मतलब गिनती से ज़्यादा नाम है इनके, जितनी मुझे जानकारी है कृष्ण कृष्ण भगवान जी थे, और उनकी मोहब्बत की कहानियाँ हैं, उनकी फतेह की कहानी, जिसे उन लोगों ने कंस को हार दिखाई, कंस एक मतलब उनको लगता था कि वो मतलब श्री कृष्ण जी को ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं हुआ, जैसे भाग्य में था उनकी श्री कृष्ण जी के हाथों लिखा था, तो श्री कृष्ण जी भगवान है। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैनो वाली ने हो, काले नैनो वाली ने जादू है सुडाला,
इसलिए काला। तने में राधा आई बोली इतरा के, इतने में राधा आई बोली इतरा के, मैंने नहीं जादू डाला बोली बलिखा। अच्छा ठीक है ठीक है, सचिन पर कौन जादू डाला या सचिन सीमा पर कौन जादू डाला? दोनों ने एक दूसरे पे डाला बिल्कुल, एक हाथ से ताली नहीं, बिल्कुल सही बोले, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो दोनों की ही रजामंदी थी, दोनों हम राजी थे एक दूसरे से, तो ऐसे हुआ। नहीं उसका कारण है, लाडला कन्हैया तेरा हो, लाडला कन्हैया तेरा कृष्ण भक्त वाला इसलिए। अच्छा कौन कौन डोरा डाला भैया, कौन जादू चलाया, कौन जलाया? इसने मुझ पे चलाया, मैंने इस पे चलाया। किसने किसने? यही तो पता नहीं चलता, नहीं पता नहीं पड़ रहा किसने चलाया किस पे चलाया। अच्छा सीमा, आपको जो भी एक भजन आता हो, जो भी भजन आता हो गुनगुना दीजिए, ताकि पाकिस्तान वाले भी आपको देख रहे हैं उनको भी दिखाइए कि सनातन की शक्ति क्या होती है। जो भी आ रहा है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त दिलों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अच्छा इस किस भगवान का आरती आपने गाया? गणेश भगवान जी का, विष्णु भगवान, भगवान जी का। ठीक है। अच्छा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आपने श्री कृष्ण भगवान से क्या मांगा? मेरे श्री कृष्ण भगवान जी ने मुझे सब कुछ दे दिया, फिर भी मैंने उनसे यही मांगा कि मुझे सही रास्ता दें, मुझे वही रास्ता दें जिनमें उनका प्यार हो, कृष्ण भगवान जी के रास्ते पे, और जो मुझे गुरु जी और मेरे भाई बताएं मैं उसी रास्ते पे चलूं। आपने हरितालिका तीज मनाया, तमाम जो त्यौहार आ रहे लगातार मनाते जा रही है, सनातन धर्म के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिला और सनातन धर्म होता क्या है? पहले मैं आपको बताऊँ, मुझे अभी मैं पाकिस्तान में रही, पली बड़ी मुसलमान में, ठीक। तो जब मैं बचपन में, मैंने एक बार भगवान जी की पहनी थी, तो मेरी दोस्त थी नूरी नाम की, नूरी, तो उन्होंने, हाँ उन्होंने मुझसे, तो मेरे गांव में मैंने पहना, तो मुझसे मेरे घर वालों ने कहा कि ये तुमने क्या पहना, मुझे उतरवा दिया, उसको वापस करवा दिया। तो मतलब मुझे लगता था कि कोई ना कोई है, फिर उसके बाद बड़े होना, फिर भी मैं राधे कृष्ण जी की हमेशा वीडियो में देखा करती थी, इंडिया में ड्रामा चलता था राधे कृष्ण जी का, पाकिस्तान में बैठ के मैं वही देखती थी, मैं सबको कहती थी इनकी लव स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनका प्यार मुझे खींचता है। तो उसके बाद इनका आना, उसके बाद इस घर में मेरा आ जाना, इंसान कुछ भी कर सकता था, कुछ भी हो सकता था रास्ते में, पर मेरे कृष्ण भगवान की माया है, मैं यहाँ आ गई, और फिर मुझे गुरु जी का मिलना, फिर एकदम से मुझे पूरी तरह मेरे भगवान मिल गए, तो ये मेरे कृष्ण भगवान जी की माया है। तो मैं तो यही, मेरे बाबा वो कहते हैं सीमा तेरे हाथों में तो हिंदू वाल देखा है, तो मुसलमान कैसे रही? तो अगले जन्म का कोई रिश्ता होगा, अगले जन्म जरूर कोई अच्छा काम करा होगा मैंने, जो मैं आज यहाँ हूँ, ये मेरे कृष्ण भगवान जी के। अभी तो मामला का जांच पड़ताल का है, जांच का विषय है, लगातार आप पूजा पाठ कर रही हैं, अगर अभी भी आपको पाकिस्तान भेजने की बात की जाए कि नहीं सीमा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, तब आपका क्या डिसीजन रहेगा? मैं तो पहली बार जिंदा नहीं बचूंगी, मर ही जाऊंगी, मैं अपने कृष्ण जी के देश में हूँ, अब तो मेरी लाश ही जाएगी, और मुझे अपने कृष्ण भगवान पर विश्वास है, भाई पर विश्वास है, गुरु जी पर विश्वास है, बस। अच्छा आपने आज निर्जला व्रत किया है, पूजा किया है, व्रत किया है, तो इस अवसर पर गुलाम हैदर, गुलाम को आप क्या कहेंगे, गुलाम हैदर जो बार बार कह रहा है कि हम हिंदुस्तान आएंगे, उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? अंतिम राय, देखिए एक पावन पावन पर्व है, अंतिम राय क्या देना चाहेंगे? हमारे यहाँ पराये पुरुष के बारे में नहीं बोल रहे, पुरुष की बात नहीं की जा सकती, हमारा नंबर दे देना, कोई भी व्यक्ति हो, और विशेषकर अब ये दोनों एक अपनी इच्छा से स्वेच्छा से, चाहे उसको गंधर्व विवाह मान ले आप, चाहे कोई विवाह मान ले, अब ये दोनों स्वेच्छा से एक दूसरे के पति पत्नी है, मीणा सचिन, सचिन सीमा सचिन मीणा है, चाहे कोई भी हैदर हो और चाहे कहीं का भी हैदर हो, वो अगर हमारी बहन बेटी की तरफ आज के बाद देखेगा तो उसको पहले हमसे बात करनी पड़ेगी। अच्छा सीमा, लगातार बिग बॉस से कहा जा रहा है कि सीमा को बिग बॉस में बुलाएंगे, कपिल शर्मा शो में बुलाएंगे, कोई कह रहा है कि चुनाव लड़वाएंगे, तमाम तरीके के बैक टू बैक ऑफर आ रहे हैं, तो क्या आप एक्सेप्ट करती हैं, बिग बॉस में जाएंगी आप? नहीं, मैं फिलहाल कोई भी ऑफर नहीं उठाऊंगी, मैं अब यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं अपने भगवान जी की भक्ति में रहूँगी, फिलहाल ऐसा कोई भी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा यशोदा किसको कहते हैं, यशोदा कौन है? यशोदा मैया थी उनकी, कृष्ण भगवान जी की, नंदलाला किसको बोल रहे हैं? नंद की लाल तो उनकी मम्मा माँ थी, नंद की लाल कृष्ण भगवान जी का नाम है,
नंद किलाल बिल्कुल। राधा और मीरा कौन? ये कृष्ण जी की मतलब प्रेमिका ही कहूँगी, एक पत्नी बनी एक प्रेमिका रह गई। बिल्कुल। तो इतना जानकारी कहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हुआ? क्या पाकिस्तान में भी क्या जन्माष्टमी और माष्टमी करती थी? एचसीएन न्यूज़ से, एचसीएन न्यूज़ बहुत बड़ा चैनल है। नहीं नहीं बताइए, पाठक जी उसके बड़े रिपोर्टर हैं, उनसे मिली है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं मेरा भगवान कृष्ण जी से और राधा जी से बहुत मतलब मेरा लगाव था। मैं इनकी चीज़ें मतलब मन से देखा करती थी। बिल्कुल। अब आगे चलकर एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है सनातन का, जिसको कहते हैं नवरात्रि। नौ दिन का पूजा होता है। नवरात्रि के बारे में क्या जानती हैं आप? नौ दिन व्रत रखे जाते हैं, नौ दिन में अलग अलग माताएं आती हैं। पूरी जानकारी है मुझे। सनातन धर्म की जय। तो आप नौ दिन पूजा करेंगी, आप फास्टिंग करेंगी? बिल्कुल, नौ दिन व्रती भी रहूंगी, पूजा भी करूंगी। बिल्कुल। अंतिम सवाल हम करेंगे, अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि सीमा जासूस है, अभी भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं खटक रहा है जो कह रहा है, उनको आप क्या कहेंगे? अंतिम सवाल। कहीं नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ से आपकी अपील लगातार जारी है, राखी भी आपने भेजा, आप इस दिन जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप क्या कहेंगी प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जी से? पहले तो उनको जन्माष्टमी की बधाई, और मैं उनको यही कहूंगी, मेरे योगी जी और मोदी जी, मुझे आप पर विश्वास है, आप सत्य सामने लाओगे, सीमा प्यार में आई है, और यही सच्चाई। क्या सचिन है यार, चुपचाप बैठे हो, कुछ तो गुनगुना दो यार। तुम्हारे सामने सीमा बैठी है, हैं? नहीं, आलू पराठा नहीं बोलना, ठीक है सचिन? आप अपनी सीमा के लिए। यशोवती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये पूछ रहा राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बता दो सीमा, बता दो। ऐसा नहीं, मेरे पति सही है। हाँ। जैसे राधा जी के लिए कृष्ण जी, हाँ। रंग रूप नहीं, प्यार देखा जाता है, मन देखा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे पति का मन बहुत अच्छा है, मेरे बच्चों को इन्होंने अपनाया, जिसे गोद लिया, कोई भी किसी के बच्चे नहीं लेता। ये इनकी बहुत बड़ा दिल है। ये एज में छोटे सही, पर दिमाग मुझसे बड़े हैं।